ये तस्वीरें किसी नदी समंदर की नहीं बल्कि रायपुर रानी क्षेत्र के गांव टोडा की है, जहां सरकार और प्रशासन के अनदेखी के कारण ग्रामीणों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जैसा कि तस्वीरें बयां कर रही हैं, पूरे गांव में बरसात का पानी जमा हो गया है, जिसके कारण रायपुर रानी क्षेत्र के गाँव टोडा के ग्रामीणों को बरसात के कारण अपने घरों और पशुओं के बाड़े तक आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण उनका गांव पिछले एक साल से ऐसी ही स्थिति में है और वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। जो मकान है इनके पास का मंजर देख ही रहे हैं, ये किसी नदी तालाब या समुन्द्र का मंजर नहीं है, ये हमारी मकानों के पास का जो है मंजर है। और हम लोग बहुत बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप में इसकी शिकायत दे चुके हैं, आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ नहीं दिया जाता। एक साल से इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और अभी तक इस समस्या का कोई समाधान जो है निकल के सामने नहीं आया। हमारी प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासन से ये विनती है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, या फिर हमारे लिए कहीं दूसरी जगह मकान बना दिए जाए और ये हमारे मकान जो हैं सरकार अपने पास रख ले। टोडा गांव के हालात इतने खराब हैं कि घरों में बरसात का पानी घुस गया है, बच्चे बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, यही नहीं आमजन तो मुसीबत में है। इस समस्या के चलते ग्रामीण पशुओं को चारा तक नहीं डालने जा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार उनकी ओर से प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिले और उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।